इतना मस्त व्यू है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो बैगिन रहता हूँ तो सबसे अच्छा बैगिन दिखता मही। पंछी फिरू मस्त उड़ू। काफी खूबसूरत सा गांव है। चलिए मैं आप लोग दिखाती हूँ, वीडियो में बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यही गाँव किसने दादा, कहाँ गई ना सब कोई। ये देखिए ये जंगली बरहा है दादा, मैं नहीं देखे रहूँ इसना, मैं नहीं आने दूंगी। ये मेरा घर है, मोर घर इसने रहते इसने तुम आते तो भगवा देता हूँ। मैं एक आज दाई मिल रही से तो ओला कहूँ आना था ऐसे करके तो मोला बुलाई से मैं जाती हूँ करती हूँ। अभी बैठी आबो देखो ना कतो ना सुंदर घर है। और अमर सही तो सेवा जोहार कह देव सब झनला। हाँ। कह देगा जानन नहीं तो काय गावी भाई। पंडर जी वहां अच्छा दग दग ले रही है। पंडरी कह दई सुमोला। हर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्चना मार्केट ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं डिंडोरी जिले के विकास खंड करंजिया के एक छोटा सा गाँव लिम्हा में, जहाँ पे पूरा बैगा जनजाति निवास करता है। तो आज हम आप लोगों को बैगा जनजातियों से मिलाते हैं और उनका घर द्वार रहन सहन जीने खाने का तरीका दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में और व्लॉग को पूरा फुल देखिएगा, क्योंकि आज आपको बैगा जनजाति के बारे में इस व्लॉग के माध्यम से पता चलने वाला है। गांव बहुत ही अंदर है और रोड देखिए अब बहुत ज़्यादा ख़राब है कि रोड इधर साइड बिल्कुल भी नहीं बना है। लगता है सरकार इधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है सड़क वगैरह के लिए। अब वहां गांव जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहां पे क्या हालात है बैगा आदिवासी जनजाति लोगों का। बने रहिए ब्लॉग में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लिम्हा गाँव। फिलहाल तो हम लोग जंगल तीर हवन और थोड़ी दिखा था ना, बहुत अच्छा व्यू है देखे हमारे। वो हमारा ढूंढ भाई करते हैं भैया ही दे। बने रही भी लगो, वाह कितना मस्त व्यू है। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि यहाँ पत्थर हुआ मस्त फोटो खिंचाए के लाइक भैया आज भी यह नहीं लाने से भाई। कितना मस्त व्यू है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो बैगिन रहता हूँ तो सबसे अच्छा बैगिन दिखता हूँ वही। गोदना गोदवा ली इंहला 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 इंहला। और चलिए अब मैं आप लोगों का पीछे के व्यू दिखाती हूँ ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम पेड़ पौधे हरे भरे, एकदम मस्त ठंडा ठंडा हवा। और फिलहाल बने रही वीडियो में, क्योंकि पूरा गांव मैं आप लोगों को घुमाने वाली हूँ और मिलाने भी वाली हूँ मैं बैगा लोगों से। तो सोच सकते हो कितना अच्छा आज का व्लॉग होने वाला। ओहो कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं इधर से। तो देखिए हम लोग लिम्हा गांव में जो है पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है ना इतना अच्छा व्यू है, यानी कि हमारा जो नीचे साइड का पूरा गांव है गोपालपुर साइड का पूरा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ से देखने पे ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग जैसे मैप में सर्च करते हैं ना वैसा। तो मैं थोड़ी नीचे जाती हूँ। पंछी फिरू मस्त उड़ू जंगल से जो है ऊपर, और बहुत ही अंदर है ये गांव। अंदर से ही अंदर आना पड़ता है और बहुत ही अंदर है और बहुत भर्रा भी हवा है। और उधर उड़ा से देखे हमारे पूरा कुंड हो गया हूँ मैं। और इतना गोर नार बन के आ रहा हूँ ये तो पूरा 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 तो नहीं हो इसमें हो क्या है। इतना अच्छा व्यू है ना कि मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा है। आप लोग देखकर ही समझ चुके होंगे, लग रहा होगा आप लोगों की बहुत ही अच्छा है। फिलहाल तो हम लोग गांव पहुंच चुके हैं, गांव दिखाएंगे। देख सुबह के निकले हैरान हम और आत पूरा झिथरी हो गया हूँ मैं। तो भाई मुझे मत देखना, गाँव का जो दिखाऊँगी उसको देखना और व्यू वगैरह देखना। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ के जो है लोग अंदर के लिए जाते हैं लकड़ी वगैरह काटने के लिए, उसके लिए शायद ये रास्ता बना हुआ है। हम लोग पहुंच चुके हैं लिम्हा गांव। फिलहाल देख कर के जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर ये जो गांव है बहुत ही अंदर जंगलों से जो है घिरा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत सा गांव है। चलिए मैं आप लोग दिखाती हूँ, वीडियो में बने रही। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे गाँव के एक झन दादा है भाई खड़े हो तेन मोला देखते अभी, और तिर जाए के अभी पूछ वो कहाँ गई ने गाँव आन के करके। यही गांव किसने दादा, कहाँ गई ना सब कोई। काम पुलिस बाहर पंचायत वाले तो कैसे नहीं गए लड़का जाते हैं। अच्छा तरखवारी है बस रखवारी छेड़ी गई चरा। हाँ
ठीक है, तो चलिए बने रहिए और मैं दिखाती हूँ इधर साइड का घर। और यहाँ लंग दे बरहा हुआ है भाई, मैं बरहा नहीं देखे रहूँ, जंगली बरहा कैसा होता है, बल्कि शहरन के बरहन ला देखे रहूँ। तो दिखाती हूँ कि सुअर लोगों को जो है यहाँ पे कैसे रखते हैं, उन लोगों के लिए अलग सा घर बना कर रखे हुए हैं, वो भी लकड़ी से। और यहाँ पे पूरा लकड़ी लकड़ी का जो है क्या बोलते हैं इसको, रुंधना। और हमारे धार बर्मसियन के रुंधना बनाए बनाए के छेकना का करते हैं, और इतिधर पूरा लकड़ी चलकड़ी के हैं, दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जंगली बरहा है दादा, मैं नहीं देखे रहा हूँ इसना, मैं शहरन में देख रहा हूँ तो मोट मोट, लेकिन ये जंगली बरहा है, इन अल्लाह नंग दिखाए करते हैं। और देखो यहाँ का गांव, वो सार है जहाँ पे रखते हैं बैल उल को, और ये पूरा रुंधना है, टाटी है। और इधर यहाँ इन कुकरी मुर्गी चलते हैं, कुरु 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 कुरु। हाँ, ये बोल रहा है कि मुर्गा को पटक दूंगा। जिन बरहा हैं तो खरला ने हिन घर आए, हिनन में रखे करते हैं बरहा अलग से। देखिए यहाँ पे आप जहाँ तक नज़र जा रही हो वहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि पूरा लकड़ी लकड़ी से जो है यहाँ पे रुंधना बंधना किया गया है, वो भी सुरक्षा के लिए। सुअर का घर है यहाँ पे, ये भी, ये देखिए अलग से घर बनाया गया है लकड़ियों का। बरहा घर तुम्हारा है, बरहा रख बे। हाँ, हम आप लोगों को बता दें कि हाँ, कोदो कुटकी इधर साइड सबसे ज़्यादा होता है ना दादा। हाँ, ये भर्रा भी आए थे घर मारे, इधर कोदो कुटकी ज़्यादा होता है। और फिर मिसाई कुटाई होने के बाद जो है पैर उर बचता है, तो माचा बना करके सुरक्षा के लिए ऊपर ऐसे टांग दिया जाता है, जिससे कि इधर उधर फैले ना। हाँ बता दादा, कैसे माइस ना रखते हैं बता दी। हाँ हाँ हाँ, बचत न हो। अभी चारा उरा तो मिले नहीं देखर मारे, अभी 4-6 महीने तो ही लखवाला है, जब तक चारा नहीं जम जाए तब तक। वैसे हम रो घर करी ना की। हाँ, और कोदो कुटकी के अलावा कान कान खेती करते हो? हाँ, पानी की समस्या हो ही इधर, देखर मारे सिंचाई नहीं बनत हो ही, नल में कहाँ बनही। ओ, तुम्हार घर कते हवा? तो अभी भी पहले जमाना जैसे पारंपरिक तौर से जो है कोदो कुटकी खात हो? हाँ, कोदो कुटकी हमारो ही उपजत है। हाँ, तो और सोसाइटी कहाँ है वहीं? यहाँ सोसाइटी हमारी पंडित का नहीं है, हम जाते हैं बाहर की। अच्छा, इतना दूर जाते हो? हाँ, हमारे यहाँ से साधन रोड कैसे है, क्या हो? हाँ, बहुत ज़्यादा भाई, इधर साइड का सड़क बेकार है, थोड़ी ध्यान दिया जाए, शासन प्रशासन से निवेदन है। हाँ हाँ हाँ, समस्या तो है थोड़ी। ठीक है, तो घूम ले तुम्हार गांव हम। हाँ हाँ, जात हन। हाँ, जंगली बरहा है दादा, मैं जंगली बरहा का तुम पाले हरा बरहा है, जंगली बरहा ना है, जंगली बरहा ला कहाँ, वो चाप देते हैं इसे कथे। और कभू कभू बाई चांस नजर में आएगा तो ठीक, तो आप लोग इधर साइड का घर देख लीजिए, इस तरह से है सब। कोई काम करे भग्गे ने तेखर मारे गांव पूरा सुनना पड़े है। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे करके पूरा गांव आप लोगों को घुमाएंगे, आप लोग बने रहिए वीडियो में। और ये जो गांव है बहुत ही अच्छा है, ऐसा लगता है कि मैं बैगिन हो तो तीन ही रहता हूँ। फिर मोला कत चीन पाते तुम, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं रहती। ये देखिए चारों चमफेरा पूरा लकड़ी लकड़ी के छेंका लगाई ने, और जंगल पास में है जिसके कारण लकड़ी मिल जाता है। ये दिखाती हूँ, ये जंगल पास में है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है लकड़ियों का, पर पानी का यहाँ जो है समस्या, और रोड भी यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो बता रहे थे कि समस्या होता है, हमें दूर जाना पड़ता है राशन वूशन लेने के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए व्लॉग में, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं घर, घर में घुसेंगे तो दिखाएंगे कि अभी भी काड़ी मूसर कोदो कुटकी ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जैसे अभी दादा बताए कि अभी भी हम पारंपरिक तरीके से जो है कोदो कुटकी का जो है हम लोग उत्पादन करते हैं और खाते हैं, सदियों से उन लोगों का जो है उनका उतना उपज ही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, किसी का भी हो आ जाए तब उन लोगों से पूछेंगे, उनका रहन सहन खान पान सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे इस ब्लॉग के माध्यम से, बने रहिए। और फिलहाल तो मुझे गाँव बहुत ही प्यारा लगा, पर यह है कि यहाँ पर थोड़ी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सड़क उड़क नहीं है उसकी वजह से,
सड़क भी थोड़ी समस्या है। वो चलते चलते हम अभी एक घर में पहुंच चुके हैं, पर अफसोस की बात है कि यहाँ पे अभी कोई है नहीं, क्योंकि पंचायत का काम लगा हुआ है, जिसके वजह से जो है सब लोग काम करने चले गए हैं। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पे जो है पूरा लकड़ियों का है बाड़ा बना हुआ है। वो इसलिए इस तरह का कर दिया जाता है क्योंकि जो बैला गोरु है वह अंदर झे पैत पाए, क्योंकि कहीं कुछ रख रहते हैं अंगना मास खुआ उखवाए के अपन सुरक्षा के लाने घर द्वार के लाने देखे मारे इतना रोन देते हैं। तो बहुत सुंदर गांव है, आप लोग भी एक बार जरूर आइए और यहाँ का खान पान, इनका रहन सहन, बैगा जाति लोगों से मिलिए और देखिए घूमिए, काफ़ी अच्छा है। फिलहाल तो बने रहिए ब्लॉग में क्योंकि बहुत बड़ा गांव है और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से और डिटेल से जो है मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगी, बने रहिए। दोस्तों देखिए अभी हम लोग जो है पूरा गांव घूम रहे हैं और धीरे धीरे करके जो है पूरा गांव दिखाएंगे आप लोग। फिलहाल तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ से आप लोग इधर का बाड़ा देख लीजिए, पूरा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक चीज और दिखाते हैं कि लकड़ी काट काट के जो है यहाँ पे रखे हुए हैं इकट्ठा गट्ठा गट्ठा, फिर दूर दूर जो है सर में रख करके बेचने ले जाते हैं अपने गांव से। मैं नहीं आने दूंगी, ये मेरा घर है, मोर घर इसने रहते इसने तुम आते तो भगवा देता हूँ मैं, इसने टूरी हूँ मैं। और देखो अभी हम लोग ऐसे घूम रहे थे ना, तो एक आजी दाई मिल रही से तो ओला कहूँ आना था ऐसे करके तो मोला बुलाई से मैं जाती हूँ करती हूँ अभी बैठी आबो। देखो ना कतो ना सुंदर घर है और ये बाड़ी है, ये बाड़ी आप लोगों को यही सब दिखाई देगा। यहाँ पे नकनी कथे हमार धारेला नकनी आ जाओ यहाँ गोपालपुर, गोपालपुर तो है यार, गोपालपुर के और तो पूरा गांव वाले खोजदार कन्नो नहीं मिले, कहा तरी ने पंचायत के काम खोले से ये तो सब भाग गए ने काम कर लाए सके। हां तो वो तो तुम नहीं गए हो, तुम्हारे घर है ना या मोर पड़ोसी घर है, मोर घर थी ए छेर तो दे रही ने तब बेच न करी ने बा है ना। मस्त गांव है हां, कैसे हो तुम दिन बन गया ये देखो गोदना भी गदवाई है यहाँ पे, पहली मोर अम्मा है ना नाना सी रही से हमारे अम्मा डोंगर भीतर के है, नानी ले बहुत जिद करत रही से कि दाई महू गदवा हूं इहा लगाई के ता अम्मा है ना, फिर नानी है ना, फिर एक नाना सिंह है रमड़ भाई दे रिश्ते ना भी तक है। अब आई तो हूं होगा आइस ना साड़ी मोला नहीं मिले कर, मैं अति खुश हूं। देखो ना इनका हाथ कितना ठोस है, बहुत मेहनत करते हैं इसलिए इन लोगों का हाथ बहुत मजबूत होता है ना। क्या नाम है बसंती, पूरा नाम ना देखने ला जाए के मारे ये दिन जाए होगा मन्ने लगे तुम्हारे पर जा दे कहीं कहीं गांव आए का दिन
लकड़ी उकड़ी बेच ले जाए करथु मैं हां हम नहीं जा नहीं जाओ तुम्हार घर थना जिसने दे और से दूंगा भीतर में कत्ते गांव का भाई ए गोपालपुर के आगू वा करंजिया धार की अब जानदार बे ना करंजिया करास ने हां मैं करंजिया गांव ले गई आओ मैं तो लगा था हां अतिधार गए से नहीं कुआ भारी तुम्हार गांव लकड़ी च लकड़ी हो कमी हमार घर अति कमी पर थे सब बेचो आ का तो खुद खुद से दे तो रोहारे या ये काहे की है चूड़ी है भाई ऐसे मिले कर थे ना तुम कहां से बाजार से जसना पहनी है ने जाऊं के है पहना थे जो ऐ पहना हां तेज को तो नहीं बदवाए बुद्धा है मिट गई से दाई के दुख हो गया तो मैं हो जाऊं तो इसने दिखूं नहीं नहीं ये कितना मेहनत करे करते हैं सच में डांगड़ो ने चले तो फोटो खींच खींच ले तो रिक्वेस्ट कर तो होगा कौन मैं दिखाऊं अपन अम्मा अम्मा भेजी से मोला जब गांव घूम के आबे करके हां काम न भूता कर सुहन के लक्कन ल देख के आबे किस न काम करते हैं वहां की कहीं के आदमी ल कह भेजी से हां दोस्तों देखिए हम लोगों को ना पुराने जमाने में जो है मतलब मेरे यहाँ भी था काड़ी मूसर जो कि अभी भी मुझे देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इनके यहाँ भी है ये जिसको मूसर कहते हैं और काड़ी ये यहाँ पे दो काड़ी है जिससे जो है कोदो कुटकी धान जेन जेन मन तेन कूट ले और हाँ, कूट कूट के तुरंत खा ले ऐसने 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 दादा पहले के जमाने के कूट कूट के पछीन पछीन के अब केन दूर दूर जाए ने बन्नी भूत करन भाई आगु बन्नी भूत हमरो घरन के करत है आज दाई हरिन साथ मिल के मोला बहुत अच्छा लगीस और कान के तोर बेटी है जो नतनी है हम नतनी नतनी ने एकर और एकर नाम बसंती है अच्छा लगता ना तो ठीक है ता जा थान बहुत अच्छा लगीस तो सेवा जोहार कह देव सब झनला हां कह देवगा जान नहीं तो काई का भाई ठीक है जात बहुत लजाए करते ऐसे दे सेवा जोहार ठीक है तो जाथन ना हाँ बाय।